रिसेंट अव्यक्त वाणी है, चौबीस अक्टूबर 2013। हेडिंग दिया है वर्तमान वायुमंडल प्रमाण मनसा शक्ति द्वारा पावरफुल प्रकाश देने की सेवा करो, वृत्ति द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करो, हरेक बच्चे को प्यार बाप से मिल रहा है, और हरेक बच्चे का प्यार बाप को मिल रहा है। प्यार के रिस्पॉन्ड में बाप दादा भी हर बच्चे को पदम गुना याद प्यार दे रहे हैं, और हर एक बच्चा स्नेह में समाया हुआ है। बाप दादा भी स्नेही बच्चों को देख बार बार दिल में कहते हैं, वाह बच्चे वाह। बाप को बच्चों के बिना सूना सूना लगता है, और बच्चों को बाप के बिना सूना सूना लगता है। आज हर बच्चे के मस्तक में बाप का स्नेह समाया हुआ है। बाप का दिल कहता है, एक एक बच्चे वाह बच्चे वाह। आज विशेष डबल विदेशी बच्चों का मिलन का दिन है। तो बाप दादा विदेश की सेवा से संतुष्ट हैं, भारत की सेवा भी कम नहीं है, लेकिन आज दिन के प्रमाण बाप दादा ने देखा कि विदेश की सेवा अच्छी विस्तार को पा रही है। अच्छे अच्छे बिछुड़े हुए बच्चे अपना वर्षा लेने आ गए हैं, समय अपने नजारे दिखा रहा है, लेकिन बच्चे अपनी सेवा में आगे बढ़ रहे हैं, चाहे देश चाहे विदेश में। तो बाप दादा बच्चों की सेवा से खुश है, और हर श्रेष्ठ कार्य की रिजल्ट को देख दिल से कहते हैं, वाह बच्चे वाह। डबल विदेशी भी चारों ओर संदेश देने में परिचय देने में कम नहीं है, और भारत के बच्चे भी सेवा में कम नहीं। तो बाप दादा दोनों की सेवा देख खुश हैं, साथ साथ मन की स्थिति में नंबरवार हैं। अभी बाप दादा यही चाहते हैं, स्वस्थिति और सेवा की स्थिति दोनों में तीव्र हो जाए। बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा सदा चल अडोल आगे से आगे बढ़ता जाए। दुनिया के वायुमंडल प्रमाण अभी बच्चों को मेजॉरिटी पावरफुल सकाश से वायुमंडल को परिवर्तन करने की मनसा शक्ति की समय आवश्यकता है। मनसा शक्ति को और पावरफुल करके मनसा शक्ति द्वारा आजकल के प्रभाव को परिवर्तन करने पर और ज्यादा अटेंशन देना आवश्यक है। आजकल के हिसाब से सुनने सुनाने की शक्ति के बजाय
वृत्ति द्वारा वृत्तियां बदलने की आवश्यकता है। बाप दादा ने देखा वृत्तियां बदलने की शक्ति को और ज्यादा कार्य में लगाना है। तो आज डबल फॉरेनर्स का विशेष दिन है। बाप दादा विशेष डबल फॉरेनर्स को पदम गुना शाबाश दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? देश वाले भी कम नहीं है, लेकिन विदेश के वातावरण अनुसार सेवा की वृद्धि अच्छी कर रहे हैं, इसलिए आज विशेष उनों का दिन है। बाप दादा ने सारे विदेश के देशों में चक्कर लगाते हुए देखा कि मेजॉरिटी सेवा का टेंशन अच्छा है, भारत भी कम नहीं है। भारत वाले विभिन्न भिन्न प्रोग्राम्स भिन्न भिन्न उमंग उत्साह के साधन बनाए रहे हैं। बाप दादा सर्विस को देख दोनों तरफ खुश हैं, लेकिन अभी के वातावरण प्रमाण मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने की आवश्यकता है। बाकी बाप दादा बच्चों का उमंग उत्साह देख करके खुश हैं। आप सभी भी चाहे भारत चाहे विदेश दोनों भी, हर बच्चा अपने स्वोन्नति और सेवा की उन्नति देख खुश हैं। अभी मनसा शक्ति द्वारा वाइब्रेशन चेंज करना, वातावरण चेंज करने की आवश्यकता है। ये सुनने सुनाने से नहीं होगा, लेकिन अपने मन की शुभकामना मनुष्यों की वृत्ति को दृष्टि को और कृति को परिवर्तन कर सकती है। तो आज बाप दादा एक एक बच्चे को चाहे विदेश चाहे देश हर बच्चे को सेवा की वृद्धि की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, विदेश वाले आपस में भी अच्छा संगठन करके सेवा की लेन देन करके अच्छा आगे बढ़ रहे हैं। मधुबन में अच्छा चांस मिलता है, आपस में मिलने का, आपस में रू रेहान करने का अथवा सेवा के प्लान बनाने का बाप दादा सब देखते हैं। कैसे बच्चे आपस में संगठन बना के सेवा को आगे बढ़ा रहे हैं, बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। भारत भी कम नहीं है, बाप दादा दोनों को देखते रहते हैं। सेवा का उमंग उत्साह दोनों तरफ अच्छा है और रिजल्ट भी अच्छा है। बाप दादा खुश हैं। चौबीस दस तेरह की वाणी का दूसरा पेज। अभी सुराज्य अधिकारी बनने की विधि और उस विधि को प्रैक्टिकल में अनुभव करना, इस तरफ भी अटेंशन देना है। आज आवश्यकता है मन की शक्ति द्वारा परिवर्तन करने का, मन की वृत्तियों को परिवर्तन करने का। अभी चारों ओर जैसे भ्रष्टाचार की ही बातें चल रही हैं। अभी इस वातावरण को मन की शक्ति द्वारा परिवर्तन कर सबके मन में परमात्मा याद का उमंग उत्साह पैदा करो। अच्छा, और अभी क्या करना है?
UK, Europe, Middle East. एक एक रतन महान और महावीर है बाप दादा एक एक महावीर बच्चे को विशेष दिल का याद प्यार दे रहे हैं अच्छा है संगठन बढ़ता जा रहा है इसकी बधाई ऑस्ट्रेलिया और एशिया अच्छा संगठन है बाप दादा एक एक बच्चे को देख एक एक बच्चे के दिल में गुण गा रहे हैं वाह बच्चे वाह अमेरिका कैरेबियन बाप दादा एक एक बच्चे को देख उन्हें कोई भाग्य को देख वाह हर एक का भाग्य ऐसे देख देख करके खुश होते हैं हर एक की महिमा एक दो से आगे है बहुत अच्छा संगठन में मिलकर के आए हैं जितने कदम उठाए उतने पदम इकट्ठे किए इसलिए एक एक बच्चे को जितने भी बैठे हैं चाहे देश चाहे विदेश वाले एक एक बच्चे को बाप दादा पदम गुना मुबारक दे रहे अफ्रीका मॉरिशस हाथ हिलाओ सदा आगे बढ़ने वाले और बढ़ाने वाली आत्मा हो बाप दादा हर बच्चे का वर्तमान और भविष्य देख करके हर्षित हो रहे हैं सदा आगे बढ़ते और बढ़ाते रहना कोई भी अगर थोड़ा भी कमजोर होता है तो उनको अपने सहयोग द्वारा चाहे स्वयं चाहे बड़ों से सहयोग दिलाते रहना परोपकारी बन स्वोपकार और परोपकार दोनों को अटेंशन में रखते आगे से आगे बढ़ रहे ये चेक करते बढ़ते भी रहना और बढ़ाते भी रहना बाकी बाप दादा विदेश को ग्रुप को टोटल देख करके खुश हैं कि वृद्धि को प्राप्त करे विधि पूर्वक उड़ रहे हैं उड़ते रहेंगे रशिया टीचर्स उनके लिए तो ताली बजाओ टीचर्स अर्थात जिनके फीचर्स से बाप दादा दिखाई दे उनकी नैनों से उनके हर बोल से मेरा बाबा प्यारा बाबा अनुभव हो टीचर्स को नहीं देखें लेकिन टीचर्स में बाप दादा दिखाई दे ऐसे हैं भी और बाप दादा हर टीचर को यही कहते कि आगे बढ़ो और आगे बढ़ाते बाप समान बनाते चलो वाह टीचर्स वाह आपकी मेहनत का फल देख रहे हैं आपकी मेहनत का फल दिखाई देता है बहुत अच्छा अभी यही हर एक में कोशिश करो कि हर एक के फीचर्स में फ्यूचर दिखाई दे आशा के दीप दिखाई दे अभी हमारा राज्य आया कि आया ये उमंग उत्साह हर एक के फीचर्स में दिखाई दे बहुत अच्छा पहली बार आने वाले डबल विदेशियों से
भले पधारे, अपने घर में आए, बाप दादा को खुशी होती है कि बिछुड़े हुए बच्चे अपना वर्षा लेने अपने घर में पहुंच गए। सबकी तरफ से, सारे परिवार की तरफ से आप सबको लाख लाख बधाइयां। टीचर्स की टीचर कौन है? बाप दादा तो है, लेकिन बाप दादा के आप भी साथी हो। जानक जी की तरफ इशारा। अच्छा, अटेंशन तो रखते हैं, चाहे भारत की टीचर्स चाहे विदेश की, सब टीचर्स का बाप दादा दिल का प्यार दे रहे। अच्छा, आज तो डबल फॉरेनर्स का दिन है ना, बाप दादा को भी खुशी है, सदा खुश तो है लेकिन खुशी में भी खुशी है। आप सभी भारतवासी बच्चों को फॉरेन की सेवा दे खुशी होती है ना? होती है, बाप दादा को तो होती है। क्यों? बाप विश्व का पिता है ना, भारत का ही पिता नहीं है, सिर्फ भारत नहीं लेकिन विश्व का पिता। तो विश्व पिता को प्रत्यक्ष करने वाले निमित्त ये भिन्न भिन्न फॉरेन के बच्चे हैं। तो बाप दादा आज एक एक बच्चे को बधाइयां दे रहे हैं। वाह सेवाधारी बच्चे, वाह। अच्छा, बाप दादा दृष्टि देते वापस चले गए। फिर से आवाहन किया गया, 24/10/13 की अव्यक्तवाणी का तीसरा पीठ। दादियों से आंख मिचौली हो गई, जानकी दादी ने कहा, बाबा आपने इतनी खुशी दी मैं क्या दूं, आपने सब दे दिया, कुछ है ही नहीं, सब दे दिया। विदेश की बहनों से, अच्छी फुलवाड़ी बनाई है, बाप दादा को पसंद है, अच्छे उमंग उत्साह में चल रहे हैं, आप सबकी मेहनत का फल अच्छा निकलता है। सभी को विशेष याद प्यार, सेवा की मुबारक। सदा आगे बढ़ते रहना और बढ़ाते रहना। कमलमणि दादी से, ठीक है अभी उठ जाओ, अभी पलंग पर नहीं जाना, बैठ के सेवा करो। रुक्मिणी दादी से, ठीक है ना, जितना तबीयत को चला सको उतना चलाओ, ज्यादा काम नहीं लो,
थोड़ा बीच बीच में आराम करो क्योंकि अभी तो टाइम पड़ा है ना और उस टाइम में आपको सेवा करनी है संभाल भी करो और सेवा भी करो अच्छी तरह से संभालो किसको है अपने शरीर को चंद्रा बहन मॉरिशियस से अच्छा पाठ बजाया ठीक है ना हर रोज अमृत बेले उठ के वाह बाबा वाह मेरा बाबा करती ही रहो शरीर में ताकत जितनी भी है बैठे बैठे सेवा करो क्लास नहीं कराओ लेकिन पर्सनल सेवा करो निर्विघ्न है मोहिनी बहन से अभी आयु है इसलिए चलेगी चार्ली भाई अच्छी सेवा कर रहे हो चार्ली भाई ने बोला गायत्री बहन ने आंटी की व परिवार की याद दी है बाप दादा का भी जिगरी प्यार उन्हों को देना अच्छी है जितनी ताकत है उतना अच्छा अपने को चला रही है और जितना भी रहती है उतनी मनसा सेवा अच्छी कर रही है सेवा के बिना रहने वाली नहीं है अच्छी है अच्छा दीपावली के निमित्त बाप दादा ने सबको बधाई दी विश्व के चारों ओर के मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों को याद प्यार और गुड नाइट आने वाली दीपावली आप तो चैतन्य दीपक हो तो आने वाली दीपावली की भी आप जागती ज्योति ऐसे जागती ज्योति दीपकों को बहुत 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 मुबारक चारों ओर के बच्चों को चाहे देश चाहे विदेश एक एक बच्चे को बाप दिवाली की मुबारक दे रहे ओके ओके सदा ओके क्या फिकर है फिकर आवे तो बाप को दे दो आप सदा ओके सभी का लक्ष्य है कि हम दीपावली के दीपक सदा जग रहे हैं और जगते ही रहेंगे अपने राज्य में जाके वहां भी दीपावली मनाएंगे अपना राज्य याद है ना आया कि आया कौन सा राज्य है हम्म
कौन सा राज्य आया कि आया कब आया आने वाला है तो कब आने वाला है पूछा कोई फिकर है अगर फिकर आवे तो बाप को दे दो फिकर से फारग हो जाओ फिकर में आ गए तो राज्य दूर हो जाएगा या नजदीक यहाँ की दीपावली और वहां की दीपावली में क्या अंतर होगा है क्या अंतर होगा है यहाँ की दीपावली स्थूल दीपकों की दीपावली और वहां की चैतन्य दीपकों की दीपावली होगी तो वहां की सजावट ही न्यारी और बहुत प्यारी होगी तो सजावट और प्यार किस बात की सजावट अरे हाँ आत्मा दीपक की तरह प्रज्वलित होगी तो चेहरे पर क्या सजावट आ जाएगी है चेहरा चमकेगा और दिल का प्यार होगा ऐसे तो रूसा हुआ भी दीपक जगा देता है लेकिन वहां सब खुशी खुशी से दीपक जगाते मौज मनाते मौज का ही राज्य है यहां तो मजबूरी से भी जागते हैं तो वहां पर आपको दिवाली मनाने का निमंत्रण है कोई बच्चे ने कहा अच्छा निमंत्रण है देखेंगे करेंगे नहीं दूर से देखेंगे आप जगाएंगे क्या है दीपक जगाएंगे और बाप देखेगा कोई नहीं कहा बाप दादा वहां साथ में आकर दिवाली मनाए तो और अच्छा होगा वहां आकर बाप दादा मनाएंगे है वहां माने कहां मधुबन में माउंट आबू में नई दुनिया की बात बताई जिसे नई दुनिया का फाउंडेशन 2004 में ही पड़ गया ऐसा बताया व्यक्तवाणी में पूछा था आप बच्चे वहां आना जाना करते हो तो वहां बच्चों का पार्ट है कहां नए स्वर्णिम युग संगम युग में अच्छा सभी चारों ओर के
मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों को आज का याद प्यार और दीपावली का भी याद प्यार. आज का याद प्यार कल का नहीं. ओम शांति. पेट नहीं भरा. जलगांव में वाणी चल रही थी 1964 का प्रातः क्लास पांचवे पेज का मध्याह्न. बात चल रही थी दुनिया में अनेक मते हैं. कोई हनुमान को याद करते हैं, कोई किसको याद करते हैं. अब वो याद में क्या है, न नॉलेज फुल बाप है न उनकी नॉलेज बुद्धि में है. और बाप क्या नॉलेज देंगे है? बाप क्या है और बच्चे क्या हैं? बाप रचयिता है, बाप इस मनुष्य सृष्टि का बीज बाप है, तो वो रचयिता है, तो वो क्या देंगे? वो रचयिता बाप अपनी और रचना की नॉलेज देंगे, इसीलिए उनको नॉलेज फुल कहा जाता है. कहते भी हैं गॉड फादर इज नॉलेज फुल, गॉड फादर इज पतित पावन. पतित को पावन करने वाला तो जरूर पतित दुनिया में आएगा ना. कि पावन दुनिया में आएगा, पतित दुनिया में आएगा तब तो आकर के हमको पावन बनाएंगे. जब तक ये पति दुनिया में है हमको पावन दुनिया स्वर्ग का वर्षा कैसे देंगे? कौन है पति दुनिया में? अरे अभी किसकी बात चल रही थी? कोई हनुमान को याद करते हैं, कोई गणेश को याद करते हैं, हैं? तो बोला जब तक ये हनुमान गणेश जगदम्बा कहाँ हैं? कौन सी दुनिया में है? पतित दुनिया में है. तो बाप हमको पावन दुनिया स्वर्ग का वर्षा कैसे देंगे? माना पहले पहले तो ये स्वर्ग में जाने चाहिए, नई दुनिया में जाने चाहिए. तो ऐसे तो तुम कोई भी अच्छे आदमी को बैठकर समझाएंगे जैसे बाप बच्चों को समझाते हैं तो वो प्रभावित हो जाएंगे. क्यों? नहीं तो बच्चे क्या कर देते हैं? अरे तुम्हारा हनुमान कोई भगवान है? बंदर की शकल और भगवान?
अब ऐसे समझाएंगे तो वो प्रभावित होंगे कि नाराज होंगे? नाराज हो जाएंगे। तो जब वो प्रभावित हो जाए तो बोल देना कि तुम प्रभावित हो करके अच्छा अच्छा करके नहीं जाओ, परंतु ये याद रख देना कि सिर पर जन्म जन्मांतर का पाप का बोझा बहुत है। वो पाप का बोझा उतरने में बड़ा टाइम लेता है। अंत तक हमको ये ज्ञान लेना है। अंत माने हाँ, जब तक देवान का अंत न हो जाए, जब तक जीना है तब तक पीना, काय में जीना है देवान में, जब तक जीना है तब तक पीना है। तो बोलो अभी तुमको फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं है तो फिर टाइम लगेगा ना। और जिनको फुर्सत है ईश्वर का बताया हुआ पुरुषार्थ करने के लिए, उनको टाइम लगेगा या जल्दी जावेंगे नई दुनिया में? ऐसी तो नहीं है कि जल्दी ही कुछ हो सकता है या पाप कोई जल्दी से भस्म हो जाते हैं। टाइम लगता है, तो तुम टाइम वेस्ट करते हो किस बात में है? किस बात में टाइम वेस्ट करते हो है? देवान का भरण पोषण करने के लिए टाइम वेस्ट करते हो। तुमको हम कहते हैं कि बाप आया हुआ है, किसको कहते हैं है? दुनिया वालों को सिर्फ, और किसको है? अरे बीके वालों को भी कहते हैं ना, क्या बाप आया हुआ है और मौत सामने खड़ा है। मौत सामने खड़ा है माना है बाप का मुख्य काम क्या है? नहीं, जिसको बाप की तरफ इशारा किया उसका मुख्य काम है इस पुरानी दुनिया का विनाश करना। तो बाप आया हुआ है और मौत सामने खड़ा है। अगर तुम गफलत करेंगे तो फिर तुम वर्षा पा नहीं सकेंगे। काहे का वर्षा हैं? सुख और शांति का वर्षा पा नहीं सकेंगे। इसलिए जो शुद्ध कार्य होता है ना, शुभ कार्य में देरी नहीं करना। अभी से तुम सीखने लग जाओ। क्या है? क्या सीखने लग जाओ है? राजयोग सीखने लग जाओ। सीखने के लिए अगर तुम एक हफ्ता इस मेडिटेशन में बैठेंगे तो तुम त्रिकालदर्शी बन जावेंगे। और तुमको नारायणी नशा चढ़ जाएगा। यानी फादर को अच्छी तरह से याद करने लग पड़ेंगे।
नारायणी नशा चढ़ जाएगा और फादर को अच्छी तरह से याद करने लग पड़ेंगे। नारायणी नशा क्यों कहा है? क्योंकि सबसे जास्ती याद कौन करती होगी? नारायणी ही सबसे जास्ती याद करती है, इसलिए तुमको भी नारायणी नशा चढ़ जाएगा और फादर को अच्छी तरह से याद करने लग पड़ेंगे, क्योंकि तुमको और सब त्याग एक को याद करना है, जिसे एक से अभी वर्षा लेना है। एक कौन? वो तो कहेंगे एक ब्रह्मा बाबा को याद करना है। अब ब्रह्मा बाबा विश्व का पिता है क्या? सारी सृष्टि का बीज है क्या? तो उस एक को याद करना है जिससे तुमको शांति, और जितनी जल्दी शांति का वर्षा मिलेगा, शांति धाम का वर्षा मिलेगा, उतनी जल्दी तुम सुख धाम में भी आ जावेंगे। तो उनको बैठ करके अच्छी तरह से ये समझाएंगे कि मैं बोलती हूँ अभी मेडिटेशन में बैठो, मैं बैठाती हूँ, बाप को याद करो। तुम्हारा बेहद का बाप तो है ना, जब दुख होता है तब तुम उनको मात पिता, गॉड फादर, परम पिता कहते आए हो। इस बाप को भक्ति मार्ग में तुम जन्म जन्म याद करते हो। वो जो तुम्हारा लौकिक बाप है वो तो फिरता रहता है। कौन से लौकिक बाप की तरफ इशारा किया है? अरे दुनिया वालों को ही समझाने की बात है कि बेसिक वालों को भी समझाने की बात है? पहले तो वो हमारे घर के परिवार के हैं कि बाहर वाले हैं? ब्राह्मण परिवार तो है ना, तो बोलो कि वो तुम्हारा लौकिक बाप है जिससे तुमको वर्षा मिलना है, वो बेहद का बाप है। और तुम्हारे जो हद के बाप हैं वो तो बदलते रहे हैं। अभी लास्ट जन्म में तुम्हें कौन सा बाप लौकिक का मिला है? हद का बाप कौन सा मिला? उनसे पूछो तो कहेंगे ब्रह्मा बाबा मिला। क्या वर्षा देके गया? जोनल इंचार्ज बनाई दिया, सेंटर इंचार्ज बनाई दिया, महल मानिया मिल गए, यही वर्षा बतावेंगे। लेकिन अव्यक्त वाणी में तो बताई दिया। क्या क्या बताई दिया? मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी, और जिनको ज्ञान का बड़ा भारी नशा चढ़ा है, बुद्धि में ज्ञान सरोवर ही लहराता रहता है। कौन सा सरोवर? ज्ञान सरोवर। सरोवरों में सबसे बड़ा और स्वच्छ सरोवर कौन सा है? ज्ञानमान सरोवर लहराता रहता है। वो भी छोड़ना पड़ेगा। जो ज्ञान सरोवर में स्नान करते रहते, डुबकी लगाते रहते, उनको ज्ञान सरोवर के ऊपर से दुनिया वाले माया विश्वास उखाड़ देगी। तो देखो, हर जन्म में तुमको एक, दूसरे जन्म में दूसरा, तीसरे जन्म में तीसरा, सभी जन्मों में भक्ति मार्ग में तुम फिर
लौकिक बाप के साथ-साथ उस निराकारी बाप को भी याद करते रहे हो तो देखो अभी ये अविनाशी बाप आया हुआ है कैसा बाप विनाशी और अविनाशी कौन सी दुनिया की बात है हैं परमधाम की बात है स्वर्ग की बात है दुखधाम की बात है कौन से बाप की बात बताई जो अविनाशी बाप है न तो दुखधाम में विनाश होता है न सुखधाम में विनाश होता है न परमधाम में विनाश होता है कौन सा बाप है जो अविनाशी बाप है है बोला इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज होती नहीं है इस सृष्टि पर सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है चलो बाबा है ये तो ठीक शिव क्यों जोड़ दिया है शिव इसलिए जोड़ दिया कि शिव बाप जब आते हैं तो आप समान बना के जाते हैं तो कोई न कोई को तो 100% आप समान बना के जावेंगे कि नहीं जावेंगे तो जिसको आप समान बना के जाते हैं उसके लिए बोला कि मैं निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनता हूं तो मैं तुम बच्चों को भी नंबरवार बना करके जाता हूं तो जो मनुष्य सृष्टि का बीज है उस बीज में आकर के मैं उसे भी अविनाशी बनाता हूं अविनाशी बाप बनाता है या बना बनाया है हैं? हर आत्मा का पार्ट 84 जन्मों का नुदा हुआ है या नूदा जाता है 1964 की वाणी का छठा पेज वो जो लौकिक बाप है वो तो विनाशी है उनको याद दिलाओ कौन सा लौकिक बाप इस लास्ट जन्म में लौकिक बाप कौन सा बेसिक वालों का कौन सा ब्रह्मा बाबा विनाश हुआ या रह गया विनाशी बाप तो उनको ऐसा समझाना है कि विनाशी से विनाशी वर्षा और अविनाशी बाप से 21 जन्म का अविनाशी वर्षा मिलता है ये तो भारत में 21 पीढ़ी 21 जनरेशन मशहूर है तुमको अगर 21 जनरेशन का वर्षा लेना है तो फिर है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शिव बाबा की श्रीमत पर चलना होगा है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ क्यों कहा श्रेष्ठ ब्रह्मा और उससे श्रेष्ठ विष्णु और दोनों से श्रेष्ठ वो अविनाशी बाप कहते हैं देव देव महादेव ब्रह्मा देव विष्णु देव फिर दोनों से बड़ा दोनों से महान महादेव तो हमारे पास यहाँ एक मत है श्री श्री की जिससे श्रेष्ठ बनते हैं वो श्री श्री है वो सन्यासी लोग अपने ऊपर नाम धराए लेते हैं
Sri Sri Jagat Guru 108 Jagan Akhandananda Ji Maharaj. खंड तो होते हैं कि नहीं होते हैं कि अखंड जीवन चलता है. अभी श्री श्री जगतगुरु सन्यासी कैसे हो सकते. जगतगुरु कहते हैं तो सारे जगत के जो भी मनुष्य मात्र हैं सब उनको गुरु माने ना, मानते हैं. अच्छा, ब्रह्मा को मानते हैं? नहीं मानते. लेकिन जो वेद का बाप है उसको तो सारी दुनिया अंत में जगत गुरु जरूर मानेगी. और ये सन्यासी तो सतयुग का श्री श्री टाइटल ही नहीं ले सकते, श्रेष्ठ बन ही नहीं सकते हैं. श्री तो उनको कहा जाता है, वो श्री श्री बाबा है जो हमको श्री ही बनाते हैं, श्रेष्ठ बनाते हैं. वो तो न श्री श्री है न कोई श्रेष्ठ बनने वाले हैं, क्योंकि वो तो रजोगुणी धर्म वाले हैं. जो रजोगुण में आते हैं, कब आते हैं? द्वापर में आते हैं. आदि सनातन तो सदगुणी सतो प्रधान धर्म है, क्योंकि धर्म भी तो ऐसे है ना, कोई सतो प्रधान धर्म सतयुग में. फिर अगर उस तरफ में लेंगे तो फिर सतो, तो हम उनको ही कहेंगे. फिर बाद में रजो और तमो जो दूसरे धर्म वाले होते हैं आते हैं, उनको कहेंगे. सतो प्रधान धर्म से ही तो बिरादरी निकलती है ना, है? ये सारी बिरादरियां चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्धी वंशी, क्रिश्चियन वंशी आदि आदि निकलती किससे हैं? किसको भी कहते हैं सन्यासी रजोगुणी सन्यास, उनको हम सतोगुणी सन्यास तो कह ही नहीं सकेंगे. वो रजोगुणी सन्यास है, ये सतोगुणी व सत्व प्रधान संन्यास है. और ये बाप आकर सिखलाते हैं और गाया हुआ है बरोबर सहज राजयोग. सन्यासी तो राजा ही को मान ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो सुख को कागविष्ठा समान कहते हैं. इतने दुखी बन गए हैं कि सुख को भी लात मारने के लिए तैयार. बाप हमको बैठ करके मेडिटेशन ऐसे सिखलाते हैं, बाप सिखलाते हैं, मनुष्य तो नहीं सिखलाते हैं. क्या है राजयोग? नहीं सिखलाते हैं. बाहर की दुनिया में राजयोग सिखलाने वाले गुरु लोग नहीं होते हैं? कहते तो हैं हम राजयोग सिखलाते हैं, परंतु बाप कहते हैं कि बाप के सिवाय और कोई भी राजयोग नहीं सिखला सकता, क्योंकि राजाई तो सिर्फ बाप ही देते हैं.